धीरे बोलो भाई, अरे कोई सुन ना ले, अरे धीरे बोलो। इस प्रकार के शब्द आप अपने घरों में जरूर सुने होंगे। अच्छा धीरे बोलो क्यों? क्योंकि अगर दूसरा कोई सुन लेता है तो घर में कलह हो जाते हैं, झगड़े का जड़ बन जाता है। और हमारे घर में अधिकतर झगड़े होते हैं पत्नी के साथ होते हैं, बच्चों के साथ हो जाते हैं, मम्मी पापा के साथ हो जाते हैं, और उस झगड़े का जड़ कहीं ना कहीं हम ही होते हैं, क्योंकि हम अपनी पर्सनल बातें किसी कारणवश किसी मोह माया में आकर अपने करीबी आदमी को बता देते हैं, जिससे अगला आदमी को हमारे घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वह झगड़े का जड़ हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 बातें बताऊंगा जो किसी दूसरों के साथ कभी भी भूल करके भी शेयर नहीं करना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार में सुख शांति हमेशा बना रहे। तो मैं इसको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी कहानी में खोने से पहले, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर के प्रेस करिए आल पर, और ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। तो कहानी है, एक बार की बात है कि एक आकाश नाम का लड़का था, बहुत ही गरीब था, उसकी शादी हो गई थी और वो कोई काम काज नहीं कर पाता था। कहीं पर भी जाता था काम खोजने, काम के लिए जाता था तो उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह जो है अपनी पत्नी से आकर के कहा, देखो प्रिय, मैं कहीं पर भी जाता हूँ काम के लिए तो मेरे को कोई भी काम नहीं देता है। तो पत्नी बोलती है कि यदि काम नहीं मिलता है, जिस भी सेठ के पास जाते हो तो एक बार जाके थोड़ा उससे विनती करो। पत्नी के कहने पर वह आकाश एक सेठ के पास जाता है और काफ़ी विनती करता है, लेकिन सेठ उसे काम नहीं देता है। जब सेठ उसे काम नहीं देता, फिर से आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि देखो प्रिय, मैंने सेठ से कहा लेकिन सेठ ने कोई काम नहीं दिया, कहा कि मेरे पास कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है। पत्नी ने कहा कि तुम सेठ के पास कल फिर से जाना और अपनी मजबूरी बताना, अपनी गरीबी बताना, हर अपनी कंडीशन को बताना, ताकि जिससे वह किसी न किसी तरीके से अपने काम पर रख ले। अगला दिन हुआ और आकाश गया उस सेठ के पास, गिलगिला करके रोने लगा, सेठ मुझे काम दे दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ज़रूरत है। और सेठ फाइनली उसे काम दे ही दिया। लेकिन जब सेठ ने उसे काम दिया तो बाकी लोगों को कुछ और सैलरी देता था और काम उतना ही करवाता था, लेकिन सैलरी कम देता था इसको, आकाश को। लेकिन किसी तरीके से आकाश को कुछ काम तो मिला। आकाश काम करने लगा, धीरे 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 काम करता गया, लेकिन काम उतना ही करता था जितना दूसरे लोग करते थे, काम बराबर करता था, लेकिन वह सेठ आकाश को सैलरी कम देता था। बहुत ही कुछ दिन बीत गया और सेठ के यहाँ जो है आकाश जो काम करता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब सेठ जो आकाश से बहुत अधिक काम लेने लगा बाकी लोगों की तुलना में, और काम अधिक लेने के बावजूद भी सैलरी कम देता था। कहीं ना कहीं आकाश के मन में भी ये विचार आने लगा कि मेरे को वेतन इतना कम सेठ देता है और काम बहुत अधिक लेता, अब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचने लगी। अरे यार, वैसा काम करने से फायदा कहाँ जहां पर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। अब हुआ क्या, जब आकाश का आत्मसम्मान काफी कम होने लगा, आखिर आकाश ने उस सेठ के यहां से काम करना छोड़ दिया। अब उसे फिर से आकर के अब कोई काम नहीं था, घर पर आकर बैठ गया। अपने समीप जितने भी लोग, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नाते रिश्तेदार, इन लोगों से पैसे मांगता तो लोग तो सुझाव बहुत देते, ज्ञान देते, बस सहायता करने वाला कोई नहीं रहता है। सारा बात बताता तो भी लोग कुछ कोई मदद नहीं करते, बस और नहीं तो सामने तो हाँ हाँ करते हैं और पीछे से मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान देने वाले बहुत हैं लेकिन सहायता करने वाला कोई नहीं है। जब अपने दोस्तों से, अपने किसी रिश्तेदार से वह पैसे या किसी प्रकार की मांग करता था तो पहले लोग इसे सराहना, पहले उसे ज्ञान देते थे, लेकिन जब समय आता था सहायता करने की तो लोग पीछे हट जाते थे, कहते थे कि यदि मैं इसे पैसे दे देता हूँ तो ये पैसे देगा कहाँ से, अब तो कोई काम भी नहीं करता, कहीं कमाता भी नहीं है, तो कैसे मैं इसे पैसे दे देता हूँ।
तो आकाश बेचारा बहुत ही दुखी रहता, उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं दिखती है कि मैं आखिर पैसे कहां से लाऊं। एक दिन की बात, वह घूमते 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 उसको पता चलता है कि मेरे नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। वह जो है उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है आकाश, और उस बौद्ध भिक्षु के सामने उनके चरणों में गिर करके लगता है, रोने बिलाप करने लगता है। बौद्ध भिक्षु ने उसे उठाकर पूछते, बताओ बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या दिक्कत, आखिर क्यों इतना बिलाप कर रहे हो। आकाश ने सारी बातें कह सुनाई। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखो जिंदगी में कभी भी मैं तुमको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं, तुम ये सब काम कभी भी मत कर, अपनी बातें कभी किसी दूसरे को मत बताना। आकाश ने कहा, बताइए गुरुवर, मैं आप जो कहेंगे मैं वो काम करूंगा, लेकिन मेरे को इस समस्या से उबारिए। उस बौद्ध भिक्षु ने आकाश को 7 बातें बताई हैं, और वे 7 बातें हमें भी अपने जिंदगी में, हमें भी अपने जीवन में उसका शरण करना चाहिए। यदि हम उनके जीवन में शरण करते हैं तो हमारे भी घर में कभी लड़ाइयाँ, कभी हमारी सुख शांति नहीं छीनेगी। तो पहला बात है कि जो किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, हमें अपनी मजबूरी कभी भी किसी दूसरों के सामने नहीं रखना चाहिए, जैसा कि आकाश ने किया। यदि हम अपनी मजबूरी किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो वह हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है। अगला आदमी हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है, वह हमारी मजाक उड़ाएगा पूरे समाज में। यदि आज आपने मजबूरी बताया है तो 4 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 साल बाद वह आपका मजबूरी का किसी भरे हुए समाज में आपकी इज्जत जो उड़ा करके रख देगा। इस कारण से हमें कभी भी अपनी मजबूरी किसी दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए। दूसरी जो बात है, किसी दूसरों के सामने नहीं बतानी चाहिए, अपने अतीत की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीतियां कभी भी किसी दूसरे को मत बताओ। अपने अतीत, जो भी आपने गलतियां की है, आप अपनी गलतियों को मत बताओ। यदि आप अपनी गलतियों को किसी दूसरे को बताते हैं तो मजाक उड़ाता है, और फिर से आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और यदि आप अपने भविष्य की रणनीतियां भी किसी दूसरों को बताते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले ही हो सके उस काम को वह शुरू कर दे, जिससे आपकी भविष्य में जो रणनीति आपने बनाया कुछ काम करने के लिए, वह आपका बर्बाद कर सकता है। जो आपने भविष्य में रणनीतियां बनाया है, कहीं ना कहीं किसी गेम खेल करके या कैसे भी किसी दूसरे के द्वारा आपके भविष्य की रणनीतियों पर पानी फेर सकता है। इस कारण से अपनी अतीत की बातें, अपने जो भी आपने अतीत में गलतियां की हैं, भूत में गलतियां है, और आप जो कुछ भी करने का सोच रहे हैं, आप किसी दूसरे को मत बताएं। यदि आप दूसरे को नहीं बताते हैं तो आपके घर में सुख शांति, आपके भविष्य की रणनीतियां, आपके सफल होने का चांसेस ज्यादा बनते हैं। तीसरी जो बात है, हमें किसी दूसरे के सामने नहीं बतानी चाहिए, अपने घर की बातें, अपनी पर्सनल बातें, अपनी मां बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ आप जो भी बात करते हैं वह घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, किसी दूसरों के साथ नहीं अपने घर की बातें बतानी चाहिए। अपनी पत्नी से, अपने सभी लोगों से भी कह देना चाहिए, देखो एक घर की बात है और घर की बात हमेशा घर में ही रहनी चाहिए। घर में भले ही आप नमक तेल रोटी खाते हो, आप सूखा रोटी खाते हो, लेकिन आप इस सूखा रोटी को बात जो है किसी समाज में नहीं बताना, क्योंकि यदि आप अपनी गलतियां, आप अपने घर की बातें अगर दूसरे को बता देते हैं तो दूसरे आदमी को आपको घर में घुसने का मौका मिल जाता है, और यदि आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है जिससे वजह से आपके परिवार में कलह, आपके परिवार में झगड़ा होने की चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। चौथी बात है जो किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, अपनी आमदनी किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए कि आपकी आमदनी ज्यादा है या आपकी आमदनी कम है। यदि आपकी आमदनी ज्यादा है और यदि किसी दूसरे को बता देते हैं तो दूसरा आदमी आपसे सहायता मांगेगा, और यदि आप उसे समय पर सहायता नहीं दे पाते हैं, कुछ भी पैसे का सहायता नहीं दे पाते हैं, तो उसके मन में ग्लानी होगी कि इसके पैसे पास इतने अधिक है लेकिन वह देना नहीं चाहता, जिसके वजह से आपके साथ वह दूरी बनाना स्टार्ट कर देगा और आपका दुश्मनी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस कारण से आप अपनी वह आमदनी, आप अपना वेतन कभी भी किसी दूसरों के साथ नहीं बताना। यदि आपका वेतन बहुत कम है तो वह उसका मजाक उड़ाएगा, अरे यार ये कितना गरीब है, ये है वो है, बहुत सारे चीजें बताएगा। इस कारण से अपना वेतन कभी भी किसी दूसरों के सामने मत बताओ, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी अपना वेतन नहीं बताना चाहिए।
पांचवी बात है जो किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी दूसरों के सामने मत रखना। यहाँ तक कि अपनी कमजोरी तो खास तरीके से अपनी पत्नी के सामने भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी पत्नी भी आपकी कमजोरी जान जाती तो उस वीक पॉइंट को पढ़कर आपका दम दबाएगी और जिंदगी भर आप अपनी पत्नी का गुलामी करते रह जाएंगे। इस कारण से अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी दूसरे को, बाहर वाले आदमी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी कमजोरी बता देंगे तो जो हाल पत्नी करेगी वही बाहर वाले भी करेंगे। लेकिन यदि आप अपनी ताकत भी किसी दूसरे को बता देते हैं तो जहां से आपके ताकत, जहां से आपको पावर मिलता है, वही आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, जो भी हो, आपका बगल वाले पड़ोसी हो, आपके ताकत को छीन सकते हैं, आपका ताकत जहां से मिलता उसको बर्बाद कर सकते हैं और फिर से आप वहीं का वहीं खड़े का थक्का रह जाएंगे। कभी भी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कोई भी हो नहीं बताना चाहिए। छठवीं बात है, अपने मित्र और शत्रु के बारे में कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु है नहीं बताओ, क्योंकि यदि आप अपने मित्र के बारे में बता देते हैं तो शत्रु जो है जाकर के उससे मिल करके आपके खिलाफ कुछ बातें खड़ा कर सकता है। आपका मित्र आपका शत्रु हो सकता है। यदि आप शत्रु को बता देते हैं तो आपका कोई मित्र यदि शत्रु बनता है बाद में, तो शत्रु के साथ मिलकर के एक बड़ी अंपायर खड़ा करके और आपके खिलाफ जो काम कर सकते हैं। इस कारण से कभी भी अपने मित्रों के बारे में, आप अपने शत्रु के बारे में किसी दूसरों के साथ बातें नहीं शेयर करना चाहिए कि वह फला आदमी मेरा मित्र है, फला फला आदमी मेरे मित्र है, फला आदमी मेरा शत्रु है, क्योंकि आपके आने वाले समय में, भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इस कारण से अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवां बातें जो कभी किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, यदि आप दान करते हैं तो दान की यह वह चीजें कभी नहीं बतानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है गुप्त दान करो। यदि आप दान करते हैं तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, आपको घमंड हो जाएगा, आप अपना प्राउड, आप गर्व कर रहे हैं। नहीं, आपका घमंड नहीं आना चाहिए। आप कितना भी दान कर दे, आपके अंदर एक घमंड नाम का चीज नहीं आना चाहिए। इस कारण से यदि आप दान करते हैं तो कभी भी गुप्त दान ही करिए। उसका नाम नहीं लेना चाहिए कि मैंने 5,000 किया, 10,000 किया, 1 क्विंटल चावल दिए, जो कुछ भी है, क्योंकि यदि आप उसका नाम ले लेते तो कहीं ना कहीं आप दिखाना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतना है। और जैसे ही आप अधिकता का आपके अंदर भावना महसूस होती है तो कहीं ना कहीं आपके पास घमंड आ गया है, और जब घमंड आ जाता है तो समझ जाइए खतरनाक है। कभी भी इस कारण से दान पुण्य जो भी काम करते हैं तो उसे आपको किसी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि हमसे कोई भी ऐसी बातें छुट्टी हो कि जो हमें नहीं बताना चाहिए किसी दूसरों के साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार की बातें हमें दूसरों से नहीं बतानी चाहिए। और यदि मेरे द्वारा कही गई बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों के साथ, अपने जितने भी सारे फ्रेंड हो उनके साथ खुल के शेयर करिएगा। मैं अगले वीडियो में आपके लिए एक नई नॉलेज लेके आऊँगा।